मूवी की शुरुआत मार्गो नाम की एक लड़की से होती है जो पूजा करती हुई नजर आती है। वो बताती है कि किसी ने उसे कभी कहा था कि जब इंसान अपने जीवन में कोई पाप करता है तो उसे उसका फल आने वाले 7 जन्मों तक चुकाना पड़ता है। उसके बाद हमें एक अनजान औरत दिखाई देती है जिसे मार्गो कुकुम कहकर बुलाती है। आगे हमें छोटी मार्गो उसके घर की तरफ दौड़ते हुए दिखाई देती है जहां कुकुम मार्गो को बड़ी बुरी तरह जख्मी हालत में मिलती है जो उसके सामने अपना दम तोड़ देती है। फिर इस मूवी को कुछ साल आगे बढ़ा दिया जाता है जिसमें अब मार्गो बड़ी हो चुकी है और मार्गो एक सफल वैज्ञानिक बन चुकी है। वो अपने कोवर्कर एलिस के साथ किसी प्रोजेक्ट रेड आई पर काम कर रही होती है। वो अपने इन्वेंशन को टेस्ट करके दिखाती है लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण उसे रोकना पड़ता है। इसके बाद हम इस मूवी में रेड आई के को फाउंडर कोराइडस को देखते हैं जो कि वहाँ पर ह्यूमन मेमोरी के बारे में स्पीच दे रहे होते हैं। वो बताते हैं कि रेड आई की मदद से इंसान न सिर्फ पुरानी यादों को देख सकता है बल्कि पूरी तरह से उन्हें जी भी सकता है, मानो जैसे उनके सामने ही सारी घटना घट रही हो। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद एलिस कुछ अलग सा बर्ताव करने लगती है और वो लैब में वापस आ जाती है और मार्गो को तुरंत अपना पासवर्ड दे देती है। मार्गो पहले तो मना करती है पर बाद में वो उसे अपने पास रख लेती है। इन्हीं सब में पीछे हमें एक अनजान शख्स को दिखाया जाता है जो टावर के अंडरग्राउंड एरिया में कुछ हेरा फेरी करके चली जाती है। आगे हम मार्गो को देखते हैं जो अपने कमरे में सो रही होती है पर उसके कमरे का टेम्परेचर अपने आप तेजी से बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ एलिस को भी अपने लैब में किसी के होने का एहसास होता है। वहीं पर कोई अनजान इंसान एलिस पर हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। और उधर मार्गो को अपने बचपन का सपना आता है जहां वो उस दिन को देखती है जब कुकुम मरी थी। उस दिन वो घर के बाहर बेसमेंट में कुछ रखने जाती है मगर उसे वहां कोई बंद कर देता है। काफी कोशिश के बाद वो वहां से निकलकर अपने घर की तरफ भागती है जहां उसे कुकुम जख्मी हालत में मिलती है। ये वही सब था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था पर हमें यहां उसके अलावा और भी कुछ पता चलता है कि मरने से पहले कुकुम ने उसे बिना डरे कुछ देखने को कहा था। और हम वहां पर एक चाकू भी देखते हैं और एक अजीब सा मास्क जो जमीन पर पड़ा था जिसमें खून लगा था। अगली सुबह मार्गो को एलिस के मरने की खबर मिलती है। एलिस की मौत की जाँच के लिए वहाँ पर डिटेक्टिव थॉमस आता है। वहाँ की जाँच पड़ताल के बाद थॉमस मार्गो से मिलता है। मार्गो उसे रेड आई के बारे में बताती है कि ये हमारे ब्लड सैंपल के जेनेटिक डेटा को पढ़ के मेमोरी को सेव करता है। थॉमस के काफी पूछताछ करने के बाद उसे एलिस के बर्ताव में कुछ अलग नहीं मिलता। थॉमस मार्गो से उसके कॉन्टेक्ट डिटेल लेता है ताकि अगर वो केस में और पूछताछ करना चाहे तो वो उसे बात कर सकता है। आगे कोराइडस थॉमस की पूरी मदद करता है जो उसकी इन्वेस्टिगेशन में मददगार साबित होता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद शॉक्ड होता है कि मृत्यु के समय एलिस के लैब में कोई गया ही नहीं था। वो इसके बारे में मार्गो से बात करता है और फिर दोनों छानबीन करने के लिए एलिस के घर जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि एलिस ड्रग्स लिया करती थी। पहले तो इसके अलावा उन्हें कुछ खास नहीं मिलता है लेकिन फिर मार्गो को एलिस का पासवर्ड याद आता है जो कि द लुकिंग ग्लास था। लुकिंग ग्लास को चेक करने पर उन्हें जैक डारियन का नाम मिलता है। ये वही थी जिसको टावर के अंडरग्राउंड में देखा गया था। थॉमस अपने घर पर रुकता है। वहां मार्गो को अजीब सपने आने लगते हैं कि थॉमस को कोई मार रहा था। इसमें हैरानी की बात ये थी कि घर के अंदर जाते ही थॉमस पर वही आदमी सच में हमला कर देता है लेकिन थॉमस किसी तरह से बच के निकल आता है। फिर हम देखते हैं जैक अपने वर्चुअल वर्जन से कुछ बात कर रही होती है। हम उसके पास सैम हैलम को देखते हैं जैसा हमने एलिस के लैब में देखा था। वो उस हेलमेट के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करने वाली थी तभी उसकी सिक्योरिटी सिस्टम किसी के घर में घुसने का अलार्म करती है। देखने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर थॉमस और मार्गो आए हैं। वो दोनों को ऊपर आने के लिए बोलती है। वहाँ आते ही वो मार्गो को उस हेलमेट का कोड तोड़ने को कहती है। एलिस के दिए हुए पासवर्ड से उसे ऑन करने की कोशिश करती है लेकिन तब वो ऑन नहीं होता है लेकिन ना जाने कैसे वो एलिस की मेमोरी में चली जाती है। ये मेमोरी उसकी मृत्यु रात की थी जहां एलिस को अनजान सुपरनेचुरल एंटिटी से बात करते देखते हैं। वो एंटिटी उसे माँ बोल रही थी क्योंकि उसी ने उसे बनाया था। यहां हमें ये समझ में आता है कि क्यों उस दिन कॉनराइड की बातें सुन एलिस अजीब सा बर्ताव कर रही थी। अब हमें इस मूवी में आगे इस एंटिटी की एक झलक भी मिलती है जो कि काले कपड़े में था लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। गायब होते ही वो एलिस पर हमला करके उसे जान से मार देती है। मार्गो ये सब देखते ही अपना हेलमेट उतार देती है और तभी उसे अपने पुराने घर में कुकुम के कुछ सपने आते हैं जिसके बाद वो उस रूम में बाहर चली जाती है। जैक बाहर आता है
और वो उसे बताती है कि शायद एलिस के एक्सपेरिमेंट से उन्होंने किसी चीज को जगा दिया है और जो खुद ही उसकी मौत का कारण बन गई थी। अब थॉमस अकेली ही टावर पर जाने के लिए निकल पड़ता है। अब हम यहाँ टावर की सीनियर सिक्योरिटी कर्सन एलेक्स को देखते हैं, जिसे URM नाम की एक वॉइस थॉमस को रोकने का ऑर्डर देती है। यहाँ हम ये भी समझ सकते हैं कि ये वही एंटिटी थी जिसने एलिस को मारा था, जिससे हमें पता चलता है कि इसका नाम URM है। और यहाँ थॉमस हेडक्वार्टर पहुँच जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एलेक्स से होती है, जिससे कुछ पूछताछ करने के बाद वो उसको रेड आई ट्राई करने को बोलती है, जिसे यूज करते ही उसे अपने बीते हुए समय के पल याद आने लगते हैं, जहाँ एक दोषी को मारते हुए उसने एक बेकसूर लड़के की जान ले ली थी। ये लड़का उसी आदमी का बेटा था जिसने थॉमस पर हमला करने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ जैक उस हेलमेट को पहन के एक बीता हुआ समय देखती है, जिसमें वो खुद को जख्मी हालत में कमरे में बंद पाती है। काफी मेहनत करके वो उस कमरे से बाहर निकलकर पावर बटन को बंद कर देती है, जिससे वो उस समय से बाहर आ जाती है। इधर थॉमस भी अपनी मेमोरी से बाहर आ जाता है और हेडक्वार्टर से बाहर चला जाता है। अब एलेक्सा दोबारा URM के पास जाती है, जहाँ वो उसे उस लड़के के पिता को ढूंढने का ऑर्डर देती है। यहाँ एलेक्स उसे किसी डील के बारे में बताती है, हालांकि वो शक्ति को पाने के लिए ये सब कर रही है। अब आगे इस मूवी में थॉमस और मार्गो को इस केस के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जहां मार्गो उसे रेड आई लगाने के लिए देती है ताकि उसे URM को पकड़ने में आसानी हो। थॉमस उस लेंस को लेके वहां से चला जाता है और मार्गो भी उसे लगा लेती है, जिसे लगाने के बाद उसे वही एंटिटी दिखाई देती है जिसमें लैब में एलिस को मारा था। वो उसके पीछे भागते हुए थॉमस तक पहुंच जाती है, जहां उन दोनों को थॉमस की कार में उस आदमी का मृत शरीर मिलता है जिसने थॉमस पर हमला किया था। अब हम कॉनराइड को देखते हैं, जो कि URM से बात कर रहा था। URM कॉनराइड से बात कहता है। उसके बाद कॉनराइड मार्गो को कॉल करके लैब में बुलाता है, जहां वो मार्गो को उस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कहता है, पर मार्गो ऐसा करने से मना करती है। तो वो उसे एलिस की मौत की फुटेज दिखाता है, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे एलिस ने खुद ही आत्महत्या की थी, जिसे देखने के बाद वो इसे बंद करने को तय करती है। अगले समय में हम मार्गो और थॉमस को मार्गो के पुराने घर में जाते हुए देखते हैं, जहां रास्ते में दोबारा मार्गो को कुकुम के सपने आने लगते हैं। वहां पर पहुंचकर थॉमस को कुकुम के बारे में बताती है कि वो उसकी अपनी दादी नहीं थी। बचपन में मार्गो को उसके माता पिता ने छोड़ दिया था। आज वो जो भी है सब कुकुम की वजह से है। घर के बाहर की जमीन को खोदने पर उन्हें एक पुराना बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर उसे कुछ खत और कुछ तस्वीरें मिलती हैं, जिसमें से एक लड़के की तस्वीर थी। वो उसे देखकर कुछ सपने देखने लगती है, जिसमें वो उसी लड़के को कुकुम से बात करते हुए देखती है। वो उन दोनों की बातचीत से हमें ये अंदाजा हो जाता है कि वो कुछ ऐसा बना रहा था जिसे कुकुम रोकना चाहती थी। अब हम यहाँ उस काले पदार्थ को भी देखते हैं, जिससे हमें उस अनजान फीचर ऑरिजिन का पता चलता है। और अब हम ये भी समझ जाते हैं कि कुकुम को भी इसी लड़के ने मारा था। सपने से बाहर आते ही मार्गो उस फोटो को पलट के देखती है, तो उसके पीछे कॉनराइड का नाम लिखा था, यानी कि इन सब के पीछे कॉनराइड ही है। इसके बाद वो अपने शहर वापस आ जाती है और वहाँ से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम कॉनराइड को देखते हैं, जहाँ उसका ही इन्वेंशन उस पर भारी पड़ रहा था। वो उसकी कल्पना से बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। अब हम मार्गो को वही पूजा करते हुए देखते हैं, जिसे मूवी में हमने सबसे पहले देखा था, जिसके बाद वो अपनी शक्ति से चीजों को हवा में उड़ाने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस और मार्गो दोनों ही उस लेंस को पहनते हैं और अपने काम के लिए निकलते हैं। मार्गो सीधे लैब में जाती है, जहां वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चीजों को बर्बाद करने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से वो कॉनराइड के हाथों में से पकड़ी जाती है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस जैक के पास जाता है URM को खत्म करने के लिए। मार्गो को होश आता है उसके पुराने घर के बेसमेंट में, जहां कॉनराइड उसके सामने आके सब मानता है कि जो हो रहा है सब उसका किया हुआ है। फिर उसे वहीं पर बंद करके मिट्टी भरने लगता है। दूसरी तरफ थॉमस जैक की मदद से टावर के अंडरग्राउंड में आ जाता है, जहां URM उसके हाथों मारे गए लड़के का रूप लेकर आत्महत्या करने को मजबूर करता है, जिससे वो वक्त रहते उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है और सफलतापूर्वक उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां URM को रखा गया था। और वहां रखे 3 में से 2 ब्लॉक को वो आसानी से तोड़ देता है,
इससे पहले वो आखिरी ब्लॉक को तोड़ सके, यूआरएम अपने आखिरी रूप में उस काले तरल पदार्थ से बाहर निकल आता है। यहाँ हम पहली बार यूआरएम को उसके असली रूप में देखते हैं, जो कि किसी एलियन की तरह नजर आता है। हम मार्गो को टावर के अंदर ही एक रूम में देखते हैं, जहाँ कॉनराड उसका गला दबा के उसे मारने की कोशिश करता है। यानी कि यहाँ मिट्टी में दबने वाली घटना उसकी कल्पना थी। मार्गो अपनी शक्ति से कॉनराड के सिर पर एक ईंट से वार करती है, फिर वो रेंगते हुए अचानक से खिड़की से गिर जाती है, पर वो बच जाती है। इधर यूआरएम थॉमस को मारने वाला ही होता है, पर उससे पहले ही वो जैक की मदद से उसके शरीर से जुड़े तारों को और इधर दूसरी तरफ मार्गो अपनी पावर से कॉनराड की गर्दन को तोड़ देती है, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। इसके बाद वो दोनों मार्गो के पुराने घर पर जाते हैं, जहां अब सब ठीक हो चुका था, और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।